आपके लिए टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। वो एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं? अगर आपका TDS कोई कंपनी काट रही है और उस केस में आपने ITS फाइलिंग ही नहीं की, तो आप कंप्लायंस को वायलेट करेंगे। आपने सोचा कि मेरा टैक्स बन रहा है, मैं टैक्स फाइलिंग नहीं करता, तो उस केस में आपने टैक्स की चोरी की, वो टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आ जाएगा और उस केस में इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन आज भी ITR फाइलिंग नहीं करती है, कुछ ही परसेंटेज ITR फाइलिंग करता है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर्स का एक मिथ होता है कि उनकी टैक्स लाइबिलिटी तो जीरो है, उन्हें टैक्स पे ही नहीं करने हैं, तो क्यों बेकार में इनकम टैक्स फाइलिंग करें, कहीं सरकार को टैक्सेस ना पे करने पड़ जाए उस चक्कर में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नील ITR आप तभी फाइल करते हैं जब आपकी जो सैलरीड इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, उस केस में टैक्स फाइलिंग करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। और इनफैक्ट सेक्शन 139(1) तो यही बोलता है कि यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस अगर आपकी इनकम उस लिमिट से कम है। अगर आप तब भी ITR फाइलिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं नील ITR। और अगर आपकी इनकम है तो एडवाइजेबल होता है कि आप अपनी ITR फाइलिंग करें, क्योंकि इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक प्रूफ मिल जाता है कि आपके टैक्सेबल इनकम जीरो है और आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने थे। अगर हम टैक्स रेजिमेस की बात करें तो आज के समय में हमारे पास दो टैक्स रेजिमेस अवेलेबल है, न्यू टैक्स रेजिमे और ओल्ड टैक्स रेजिमे, और क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिमे में अप टू 3 लाख की अमाउंट पर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिमे में वही लिमिट 2.5 लाख रुपीज की है। ये एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर आपकी सैलरी इस लिमिट से नीचे लाई कर रही है, उस केस में यू आर नॉट लायबल टू फाइल एनी ITR। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिमे और ओल्ड टैक्स रेजिमे में मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि ओल्ड में आप डिडक्शंस यूटिलाइज करके, एग्जेम्पशंस यूटिलाइज करके अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिमे में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर टैक्स रेट्स को ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है ताकि आपके टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस को ईज आउट किया जा सके। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कौन सी सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कौन सा टैक्स रेजिमे ऑप्ट करना चाहिए। न्यू टैक्स रेजिमे में आपको अप टू 25,000 रुपीस का रिबेट मिल जाता है अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। लेकिन दोनों ही रेजिमेस में आपको 50,000 रुपीस का एडिशनल रिडक्शन मिल जाता है। तो न्यू टैक्स रेजिमे में अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख है, कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। अगर आप जीरो टैक्सेस पे करना चाहते हैं फॉर अ इनकम ऑफ 7.5 लाख, तो उसमें आपको टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तभी अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिलेगा और आपने अगर कोई टैक्सेस पे किए हैं तो वो आपको मिल जाएगा। वही सेम ऑप्शन ओल्ड टैक्स रेजिमे में 5 लाख की इनकम पे है और 50,000 का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन लगा दे तो 5.5 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ITR फाइलिंग करते हैं तो उस केस में सेक्शन 87 का रिबेट मिल जाएगा और अगर आपकी कंपनी ने कोई भी टैक्स काटा है, कुछ भी टैक्स काटा है इतनी इनकम पे, वो आपको पूरा रिटर्न में मिल जाएगा। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि अंडर सेक्शन 139(1) में आपके लिए टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। वो एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं? अगर आपको अब्रॉड जाना है, आपको USA जाना है या कोई भी दूसरी कंट्री जाना है, तो बहुत सारी कंट्रीज वीजा के एप्लीकेशन में आपके ITR डॉक्यूमेंट को मांगती हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, उस केस में भी आप इस डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर तो मैंडेटरली बैंक्स मांगती है कि आप अपना ITR सबमिट कीजिए। आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो एक लिमिट से अबव है जो कि इंडिविजुअल्स के केस में 40,000 होती है और सीनियर सिटीजन्स के केस में 50,000 रुपीज होती है। उससे अगर अबव है तो बैंक्स 10% TDS काट कर आपको आपका इंटरेस्ट देती है। तो अगर वो 10% का TDS आप क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में ITR फाइलिंग करना जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपको जो भी पेमेंट मिलती है उसमें कंपनीज 10% TDS काट कर देती है,
उस केस में अगर आप आईटीआर फाइलिंग करते हैं तो वो टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा। टीडीएस कंप्लायंस के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका टीडीएस कोई कंपनी काट रही है और उस केस में आपने आईटीआर फाइलिंग ही नहीं की तो आप कंप्लायंस को वायलेट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स है उस केस में तो मैंडेटरी हो जाता है कि आप उन एसेट्स को रिपोर्ट करें और अपनी आईटीआर फाइलिंग करें। और एक मेजर बेनिफिट हो जाता है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको किसी भी तरीके की कैपिटल लॉसेस हुए हैं तो उनको कैरी फॉरवर्ड आप तभी कर सकते हैं जब आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे। लेकिन अगर आप तब भी नील आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं तो उस केस में कुछ नुकसान हैं जो कि हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लेट फाइलिंग फी, आपने किसी कारण से मिस कर दिया और आपको बाद में पता लगा कि आपको आईटीआर फाइल करना था, तो उस केस में अप टू 10,000 रुपीस आपको एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अगर आपने किसी कारण से आईटीआर फाइलिंग नहीं की उस केस में अगर आपका कोई भी टैक्सेबल लायबिलिटी बनती थी तो उस पे एडिशनल 1% का इंटरेस्ट लगना भी शुरू हो जाएगा। मतलब पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो कर ही नहीं पाएंगे। आपने सोचा कि मेरा टैक्स बन रहा है, मैं टैक्स फाइलिंग नहीं करता हूं, तो उस केस में आपने टैक्स की चोरी की, वो टैक्स इवेजन की कैटेगरी में आ जाएगा और उस केस में इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो कृपया ऐसा ना करें। साथ ही साथ अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है और किस तरीके से आप अपनी ITR-1 आराम से खुद से घर पे बैठ कर फाइल कर सकते हैं, उस पे भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया है कि किस तरीके से आप अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।